दोस्तों एक बार आप सभी को फिर से जय गंगे माता। आज 1 जून का दिन है और मैं पहुंच चुका हूं अभी हाथी वाले पुल पे। आप लोगों को करा रहा हूं यहां से माँ गंगा जी के दिव्य दर्शन, आप लोग देख सकते हैं। और आज है 1 जून, यानी कि 1 जून का आज दिन है और मैं पहुंच चुका हूं अभी हाथी वाले पुल पे। आप देख सकते हो मेरे सामने रहा गौ घाट, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। और भीड़ देख लीजिएगा 1 जून के दिन कितनी ज़्यादा भीड़ है। और समय की बात की जाए तो समय लगभग अभी हो चुका है 12:30 बजे के करीब। 12:30 बजे के करीब आप लोग ये नज़ारे देख रहे हो, ये देखिएगा, ये रहा हाथी पुल। अलग गर्मी की से महसूस देख सकते हो, गर्मी से बचने के लिए लोगों को छाता, देखो भाई दुकान पे काम करते हैं लोग और ना देखो सब ने छाता ओढ़ रखी है, देख रहे हो, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी बढ़ रही है दोस्तों पिछले 10 या 15 दिन से हरिद्वार में बहुत ही भयंकर। तो अभी हम निकलते हैं धीरे धीरे यहाँ से सभी घाट की ओर, दिव्य दर्शन कराते हैं आप लोगों को। चलो भाई चलते हैं फटाफट से दर्शन कराते हैं, निकलते हैं आगे की ओर। चलो देखिएगा दोस्तों ये रहे शिव घाट, और शिव घाट के आप लोग सुंदर दृश्य देख सकते हैं, नज़ारे देख सकते हैं यहाँ से पूरी तरीके से, देख रहे हो। मतलब कि इस घाट पे ना थोड़ी सी बहुत छाव रहती है क्योंकि पेड़ काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे तुम्हें पूरी तरीके से इस घाट पे, और श्रद्धालु की भीड़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है, आप लोग देख रहे हो पूरी तरीके से। ये देखिएगा अभी चलेंगे सीधे घाट पे और दिखाएंगे वहाँ से दर्शन करा दीजिए आप लोगों को गंगा जी के लिए। चलो चलते। तो दोस्तों अभी देख सकते हो मैं पहुँच चुका सीधे हाथी वाले पुल को पार करके इस सामने, और सामने घाटी का व्यू देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिए गंगा जी के व्यू देख सकते हो यहाँ से, और भीड़ देख रहे हो ये इस घाट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोगों को देख सकते हो किस तरह से गंगा जी को पार करते हुए दिख रहे हैं, देख रहे हो। और इस तरह की गलती नहीं करनी है, अभी गंगा जी में बहाव काफ़ी ज़्यादा है तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखिए देख रहे हो इन लोगों को, देखिए पूरी तरीके से देख सकते हो किस तरह से ये लोग गंगा जी में गोता लगाते हुए दिख रहे हैं। ये देख सकते हो पूरी तरीके से, और सामने जाके इस तरह से इस चैन को पकड़ते हैं तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चलो चलते हैं यहाँ से फटाफट से बाकी के घाटों की ओर, वहाँ के दर्शन कराते दिव्य नज़ारा दिखा। शिव घाट पर पहुँच चुके लेकिन यहाँ पे भीड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा सा पेड़ है ना, इसकी वजह से यहाँ पे छाव रहती है पूरी तरीके से, और श्रद्धालु स्नान करने के बाद इस पेड़ के नीचे आते हैं। ये देखिए ये दर्शन देख सकते हैं, ये दृश्य देख सकते हैं, और मेरे सामने रहा शिव घाट, आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं शिव घाट पर और दिखाते हैं वहाँ के दर्शन कराते हैं आप लोग। तो इसे ही बोलते हैं शिव घाट, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे भीड़ देख रहे हो ये देखिएगा, और यहाँ पे शिव भोलेनाथ की मूर्ति भी बनाई हुई है जो आप लोग देख सकते हैं। ये दृश्य देख सकते हो बाकी यहाँ से पूरी तरीके से, और सामने ही रहो वो सुभाष घाट, वहाँ से भीड़, वहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है बट इस घाट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए सामने की देवियों देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ सीधे शिव घाट को पार करके, आप लोग देख सकते हो सामने रहा शिव घाट, और उसको पार करके मैं आ चुका हूँ शिव वाले पुल पे, इसे बोलते हैं शिव पुल, आप लोग देख सकते हो। ये देखिएगा ये रहा शिव पुल, और ये शिव पुल के नज़ारे देख सकते हो, और भीड़ देख रहे हो आप, देखिएगा कितनी ज़्यादा भीड़ है आज, देख सकते हो 1 जून के दिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिल रही है, आप लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हैं और उनके नीचे काफ़ी ज़्यादा आपको श्रद्धालु बैठे हुए दिखेंगे, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए ये देखिएगा, और जल दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ से कितना ज़्यादा यहाँ पर जल चल रहा है, चलो सकते पूरी तरीके से यहाँ से जल का जो बहाव है कितना ज़्यादा तेज़ है, देख रहे हो, ये देखिएगा जल का बहाव देख सकते हो पूरी तरीके से। दोस्तों सामने ही तुमको दिखेगा प्यारा सा धनुष वाला पुल, ये देखिएगा, ये देख सकते हो वो रहा धनुष वाला पुल, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु उस ब्रिज को पार करके पहुँचते सीधे घंटाघर वाले घाट पे पूरी तरीके से, आप लोग देख सकते हो मतलब सामने को निकलते हैं ना ऋषिकेश वाले हाईवे में, तो सभी लोग उस ब्रिज को पार करके सीधे घंटाघर वाले घाट पे पहुँचते हैं। ये देखिएगा लेकिन गर्मी देखो यहाँ पर श्रद्धालु को, देखो किस तरह से अपनी दुकान पर बैठ के मतलब छाता लगाए रखते हैं कि गर्मी का थोड़ा महसूस कम हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी अभी पड़ रही है पिछले 10 दिनों से ना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये देखिए, और एक बार आप लोगों को मनसा देवी मंदिर के दर्शन कराने की कोशिश हम जरूर करेंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हो ऊपर ही पहाड़ पे मनसा देवी का मंदिर के दर्शन करेंगे, जय राम मनसा देवी का मंदिर, और जय माँ मनसा देवी जरूर। अब चलेंगे बाकी सीरे से सामने की घाट जो बचे कुछ है वहाँ के दिव्य दर्शन कराते हैं, न जा रही चल। तो अभी आप देख सकते हो मैं पहुँच चुका बड़ी वाली धारा की तरफ, ये देखिएगा गंगा जी का बहाव देख सकते हो इस तरफ कितना ज़्यादा चल रहा है, ये देखिएगा
वाली धारा को पार करके निकलेंगे हम नाई वाले घाट पे, और यहाँ पे भी आप श्रद्धालु को देख सकते हैं स्नान करते। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी यहाँ पे लगी है, और सीधे वहाँ पे चलेंगे भागीरथी सेतु और वहाँ से पूरी तरीके से कैप्चर करेंगे नाई वाले घाट के दृश्य। चलो पूरी तरीके से चलते हैं। चलो, और बार बार बोल रहा हूँ सामान का ध्यान थोड़ा अवश्य रखें अपना, ठीक है दोस्तों। अभी भीड़ भी काफ़ी है और भीड़ के साथ साथ गर्मी भी काफ़ी है, ठीक है। सामान का ध्यान भी थोड़ा ज़रूरी रखिए, आवश्यक रखिए। चलो ये देखिए, ये रहे नाई घाट के नज़ारे देख सकते हैं। ये देखिए ये रहे पूरी तरीके से नाई घाट के नज़ारे, आप लोग देख सकते हैं जल का बहाव कितना ज़्यादा है, देख रहे हो। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बहाव है जल का, ये के सामने वाले घाट पर भी आप लोग देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हमें देखने को मिली है, और ये देखिएगा नाई घाट के पूरी तरीके से नज़ारे देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं। कुछ लोग गंगा जी में कपड़े डाल देते हैं, तो कपड़े डालना सख्त माना है, कपड़े वगैरह जरूर नहीं डाले, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें। चलो चलते हैं बाकी के सामने के घाट की ओर, दर्शन कराते हैं हम लोग, फिर चलेंगे बाकी और सामने की घाट की ओर, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो हम लोगों को कराते हैं फटाफट से दर्शन। चलो ये देखिएगा नाई वाले घाट के, तो आप लोगों ने दर्शन कर ही लिए होंगे, बट एक बार और करा देते हैं आप लोगों को गंगा जी का बहाव, यहाँ से कितना ज़्यादा चल रहा है गंगा जी का बहाव, कितना ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये रहा धनुष पुल, और धनुष पुल के नीचे कितने श्रद्धालु बैठे रहते हैं, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु बैठे रहते हैं, क्योंकि ना गर्मी से बचने के लिए गाइस कुछ तो करना पड़ता ना, और वही यहाँ पे करना पड़ रहा है लोगों को। ये देखिएगा दोस्तों, खुद एक बंदा आपको सामने ही दिखेगा जो वहाँ पे चढ़ा है, देख रहे हो, और देखो भाई कहाँ गया, देखो गंगा जी के बीचों बीच में आपको दिखेगा। ये देखिएगा गर्मी के बचने के लिए, देख रहे हो पूरी तरीके से, ये देखिएगा, और सामने देखो कहाँ पे गया, देख रहे हो भाई वो बंदा, देख सकते हो पूरी तरीके से, देखिएगा ये देखिए। और कुछ लोग यही गलती करते हैं, गंगा जी को पार करने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आप फंस जाते हैं, देखिएगा, और कहाँ पे गया, देख रहे हो बंदा सामने ही देख सकते हो। देखिएगा दोस्तों, गर्मी से बचने के लिए दोस्तों देख रहे हो गंगा जी को बीचों बीच में किस तरह से ये लड़का गया, देख रहे हो गंगा जी को पार करते, और उसके ठीक सामने एक लड़का तुम्हें और दिखेगा, ये देखिए। तो इस तरह की गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। ये रहे शिवालय घाट के नज़ारे, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से, और सामने पुल में से कूद रहे हैं भाई, वहाँ से जंप लगा रहे हैं कुछ श्रद्धालु, ये देखो, और वहाँ से जंप लगा के आ रहे हैं नीचे को, इस तरफ को आ रहे हैं सीधे गंगा जी को पार करने के। चलो अब हम चलते हैं मेन घाट पे हरिद्वार के, वहाँ के दर्शन दिखाते हैं हम लोगों को दृश्य। चलो सीधे हर की पौड़ी वाली घाट पर चलते हैं गाइस। चलो गाइस, गर्मी से बचने के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे गीला इतना हो रखा है ना भाई, सच में फिसलने की काफ़ी ज़्यादा डर लग रही है यार मेरे को, कहीं फिसल ना जाऊँ भाई, काफ़ी ज़्यादा। चलते हैं फटाफट से, अब कराते हैं आपको ब्रह्मकुंड घाट के दर्शन। चलो ये देखिएगा, सीधे ब्रह्मकुंड घाट पे हम लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से, ये रहे ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे, और कल रात में गंगा जी का बहाव कितना कम था देखा आपने, और अभी देख लो कितना ज़्यादा हो चुका है। ये देखो कुछ लोग गंगा जी को इस तरह से पार करते, देखो अब देखो कितना बहाव है, यहाँ पे पकड़ ही नहीं पाएगा, देखा आपने, ये देखो फंस गया, देखो ये देखिए पूरी तरीके से, देख लो ये देखिएगा। तो जो ये गलती नहीं करती ना, बार बार गंगा जी को पार करने की कोशिश करनी, इस तरह की गलती नहीं करेगा, आप लोग देख सकते हो। अब जो जल में ज़्यादा मिट्टी आ रही थी ना, वो थोड़ी बहुत हमें कम देखने को मिली है पूरी तरीके से। ये देखिए, ये देखिएगा दोस्तों ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे, देख लो ये देखिएगा प्यारे से नज़ारे देख सकते हो, दिन के वो भी खूबसूरत पूरी तरीके से दोस्तों, आप देख सकते हो ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे, एक जून के दिन आप लोग ये नज़ारे देख रहे हो, और श्रद्धालु की भीड़ ना काफ़ी ज़्यादा है, और मैं हूँ घंटाघर वाले घाट पर, ये देख रहे हो, और घंटाघर वाले घाट पर भी अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ देख सकते हो पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से भीड़ देख सकते हो श्रद्धालु को, और स्नान करने वाले लोगों को देख सकते हैं। आज गंगा जी का बहाव कल रात से थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, रात में थोड़ा सा कम कर दिया गया था, और फिर से दिन में हमें वैसे ही देखने को मिल रहा है, और बाकी जो सामने के घाट है महिला वाला घाट और मालवी घाट, वहाँ के दर्शन कराते हैं। ये देखिएगा दोस्तों सामने महिला वाला घाट के नज़ारे देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देख रहे हो, ये देखिएगा पूरी तरीके से महिला वाले घाट के नज़ारे, ये देखिए ये सामने के भी देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखिएगा दोस्तों आप देख रहे हो, ये देख सकते हो पूरी तरीके से मालवी घाट के नज़ारे, और सामने के दर्शन तो आपने किए होंगे, ये देख पूरी तरीके से देख सकते हो, ये देख
और यहाँ पे इन श्रद्धालु को देख सकते हो पूरी तरीके से किस तरह से गंगा जी में गोता लगाते हुए दिख रहे हैं। ये तो श्रद्धालु इस तरह से स्नान करते हैं, सामने दृश्य से कूद कूद के जंप लगा लगा के गंगा जी में गोता लगाते हैं। ये देखो किस तरह से इन लोगों को देख सकते हो पूरी तरीके से, देख रहे हो आप लोग, ये देखो कहाँ चढ़ के ये लोग गंगा जी में गोता लगा रहे, देखो देख सकते हो पूरी तरीके, देख रहे हो सामने के नज़ारे देख, ये देख सकते हो, ये देख रहे हो। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है, जैसे ये लोग कर रहे हैं, ये देखो एक के बाद एक पूरी तरीके से देख रहे हैं, ये देखो देख रहे हो, ये देखिएगा पूरी तरीके से, और सामने के नज़ारे तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ से पूरी तरीके से। जाएंगे वो संजय पुल पे, वहाँ से पूरी तरीके से एक बार दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पूरी मतलब वीडियो ना वहाँ से एक बार लेते हैं और वीडियो दिखाते हैं एक बार वहाँ से पूरी तरीके से दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। चलो गाइस, देख रहे हो गर्मी से, देख रहे हो हालत ख़राब हो रही भाई, गाइस खतरनाक गर्मी पड़ रही है हरिद्वार में, सच में बहुत भयंकर गर्मी। चलो चलते हैं सामने वाले ब्रिज पर और वहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को दर्शन कराएँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये रहे शिवघाट के नज़ारे, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से, और अब दिखा दो तुम्हें ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे। ये देखिएगा, आप देख सकते हो पूरी तरीके से ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे, देख रहे हो, ये देखिएगा, और भीड़ चेक कर सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ आप लोग देख रहे हो। ये देखिएगा पूरी तरीके से सभी घाट के दर्शन कर जा दिए मैंने आप लोगों को, और आए हो कि तुमने दर्शन भी कर लिए होंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिखना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हरिद्वार की नई नई वीडियो नई नई अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। जय माँ गंगे, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, हर हर गंगे।